अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज यहाँ बैठने का मकसद, आपसे बात करने का मकसद, कई लोग आजकल जो कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पूछ रहे हैं। प्लाज्मा ट्रीटमेंट, प्लाज्मा क्या है, ये कई लोग को पता नहीं है। कई लोग, इसलिए मैं चाहिए कि आप लोगों को इसके बारे में अवेयर करूँ। उसी मकसद से आज मैं आपके सामने हूँ। पेशेंट तीन किस्म के हैं कोरोना में: माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस, सीवियर केसेस। जो माइल्ड केसेस हैं उनको घर पे रख के ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जब उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल का कम हो रहा है, 90 से कम हो रहा, और उनके कोविड मार्कर्स जैसे कि सीआरपी, फेरिटिन, डी डाइमर लेवल और हीमोग्राम, वो देखते हुए, वो लोगों को मॉडरेट, उनका लेवल्स देखते हुए मॉडरेट में और सीवियर केसेस में कैटेगराइज कर रहा है। सीवियर केसेस यानी वो लोग वेंटिलेटर पे, इन्वेजिव प्रोसीजर पे हैं। लेकिन ये प्लाज्मा थेरेपी जो है, हमारे इंसान में 5 लीटर का खून रहता है, ब्लड जो है 5 लीटर्स ब्लड रहता है। वो ब्लड में दो कंपोनेंट रहते हैं, आरबीसी का कंपोनेंट रहता है और प्लाज्मा यानी जो लिक्विड कंपोनेंट रहता है, यानी जो पानी के जैसा जो रहता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। वो हमारे बॉडी में जब भी हमें कुछ इन्फेक्शन होता है, हमारे बॉडी में से वो उसके लिए, वो इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं। वो एंटीबॉडीज़ हमारे प्लाज्मा में रह जाते हैं। वो एंटीबॉडीज़ यानी जो कोविड पेशेंट्स जो है रिकवर होने के बाद 28 दिन या 30 दिन के बाद उनके बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ जो है, हम टेस्टिंग से पता करते हैं कि आईजीजी एंटीबॉडीज़ उनके लेवल में कितना है। वो जब तक वो लेवल में एंटीबॉडीज रहते हैं, वो इन्फेक्शन, फिर कोरोना के जो वायरस को मारने की ताकत रहती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कोविड पेशेंट है उनके जो 28 डेज फिनिश हो चुके हैं और जिसका हीमोग्लोबिन अच्छा है, उनको कुछ भी कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है जैसे कि शुगर, बीपी नहीं है और 50 ईयर्स से कम है, वो लोग का प्लाज्मा जो मॉडरेट केसेस है जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो रहा और इंटरल्यूकिन 6, सीआरपी, फेरिटिन, डी डाइमर हाई लेवल पे बढ़ रहे हैं, वो लोगों को अगर हम प्लाज्मा देंगे तो उनका जो है ये सब लेवल्स कम हो रहे हैं, वायरस लोड कम हो रहा और सीवियरिटी में नहीं जाकर जल्द से जल्द ठीक होके वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं। लेकिन लोग यहाँ ये प्लाज्मा देने के लिए डर रहे हैं। कई पेशेंट्स जो पॉजिटिव होकर जो अच्छे हुए हैं, वो लोग डर रहे हैं, नहीं, हम फिर से हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वहाँ गए तो फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारे फैमिली में नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे कई चीज़ें मेरे सामने आए हैं। तो इसलिए मैं ये चाह रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ कि ये प्लाज्मा जो है वो बिल्कुल सेफ़ है। प्लाज्मा जो अगर आप डोनेट करें, आपको किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं हुई, आप जो है आधे घंटे में, 4 घंटे से 6 घंटे में जितना आप 400 ml से 500 ml का जो प्लाज्मा दे रहे हैं, वो चीज़ जो है आप रिकवर हो जाएंगे ना, आपका खून 1% खून भी आपका कम नहीं होगा। लेकिन जो मशीन, सिर्फ आपको हिम्मत करके हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे पेशेंट है। पेशेंट के पास डायरेक्ट जाने का नहीं रहता, एक सेपरेट ब्लड बैंक यूनिट रहता हर हॉस्पिटल में, वो बिल्कुल सेफ रहता, सैनिटाइज रहता, वहाँ इन्फेक्शन, वो क्योंकि वहाँ पे ब्लड स्टोर करने की कैपेसिटी रहती, इसलिए वो सैनिटाइज रहता, वहाँ पे आपको इन्फेक्शन होने का भी कोई चांस नहीं रहता। आपका वहाँ पे प्लाज्मा एक 45 मिनट से 1 आवर का प्रोसीजर है, जहाँ आपका प्लाज्मा लिया जाता है और उसके बाद पेशेंट के पास लेके जाके वो उसको वहाँ चढ़ाते हैं, जैसे खून चढ़ाने का रहता। तो इसलिए आपको आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। और एक ब्लड डोनेट करने के बाद फिर उसकी एलिजिबिलिटी 3-4 महीने के बाद होती है, लेकिन प्लाज्मा बिल्कुल एक साल में तकरीबन 15 से 20 वक्त तक भी वो दे सकता, यानी कितना सेफ है ये, और ये देने से आपको किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं होगी, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कोई भी इंसान जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हुआ है और जिसके 28 से 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, वो और जो 50 साल के अंदर है, जिसी को ना शुगर है ना बीपी है, अपने आप को आप लोग वॉलेंटियर करिए, एक ग्रुप बनाइए, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करिए कि जिसको प्लाज्मा की ज़रूरत है आप उनको डोनेट करिए। हम किसी को भी कुछ भी गिफ्ट देंगे, किसी को कुछ, लेकिन जो खुशी हमको ये प्लाज्मा डोनेट करके किसी की हम जान बचाएंगे, जो खुशी इसमें मिलेंगी किसी और चीज़ में वो खुशी नहीं मिलेंगी। तो
तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग हिम्मत करें और अपने आप में सर्कुलेट करें। कई पेशेंट्स को मैंने जो कोविड पॉजिटिव है उनको बुलाकर समझाया भी कि डोनेट करें, लेकिन वो लोग रेडी हो रहे, फिर घर में घर वाले नहीं भिजाना चाह रहे क्योंकि उनको डर लग रहा, बिकॉज कोरोना के पीरियड में कई लोग परेशानी उठाए लेकिन आइसोलेशन में रहते हुए, फैमिलीज से सेपरेट रहते हुए, उस चीज़ को वो लोग फिर से मतलब वो देखकर परेशान हो रहे। लेकिन ऐसा हमेशा वो सिचुएशन नहीं रहता। हम जो सिचुएशन फेस हुए, दूसरे लोग वो सिचुएशन से नहीं गुजरना। जब तक प्लाज्मा थेरेपी का उतना बूम नहीं था, सिर्फ गांधी में हो रहा था, आजकल हर कॉरपोरेट हॉस्पिटल में भी अप्रूवल दिया जा चुका है और अपन पेशेंट्स को सेव कर सकते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि हर कोई जो कोविड पॉजिटिव है, जिसके 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, वो अपने आप को कोविड वॉरियर समझकर पेशेंट्स को बचाने के लिए अपने आप को रजिस्टर करें। रेड अलर्ट एक हेल्पलाइन है, आप उसको रजिस्टर करें। ये प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मतलब कई लोग पूछ रहे हैं कि कब देना चाहिए, कब देने का मतलब ये डॉक्टर डिसाइड करता। जब पेशेंट एडमिट रहेगा, डॉक्टर जब आपको ये शायद ये इसको प्लाज्मा थेरेपी दिए तो इसको शायद बेनिफिट रहेगा, जब ये डिसाइड करें। मोस्टली सीवियर केसेस को भी ट्राई कर रहे हैं लेकिन आउटकम उतना बेटर नहीं है। माइल्ड केसेस को तो ज़रूरत नहीं है, मॉडरेट केसेस में ये बहुत अच्छी तरीके से काम रहा है, अगर जब हम देंगे तो बेहतर रहता। और एक बात मैं बताना चाह रही हूँ कि अब तक हर वक्त हम अपने आप को बचाते रहे, लेकिन अब इतना एक 25-30 डेज से तो लेवल ऑफ इन्फेक्शन इतना बढ़ चुका कि आज हम अनइन्फेक्टेड है, नेक्स्ट फ्यू डेज में हमें शायद इन्फेक्शन होगा नहीं होगा हम नहीं पता कर सकते, क्योंकि हर एक बार हम लोग तो अपना जो सैनिटाइज यूज़ कर रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं, गैदरिंग्स में नहीं जा रहे हैं, फिर भी कभी अगर हम किसी वजह से एक इन्फेक्ट हो चुके तो घबराएं नहीं और इत्मीनान से अपने जो चीज़ इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, जो ट्रीटमेंट जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करें, लापरवाही ना करें और टेस्टिंग करवाए, टेस्टिंग के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट ले, तो ये मामूली दूसरे बीमारियों की तरह ये भी आकर चले जाएंगा। लेकिन हम उसको अगर लापरवाही करेंगे तो वो कम स्टेज में, माइल्ड स्टेज से मॉडरेट से सीवियर तक जाने के बाद अगर हम हॉस्पिटल लाएंगे, उस टाइम पे ट्रीटमेंट देना थोड़ा मुश्किल होगा। और जब तक घर के फैमिली मेम्बर्स दूसरे लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, अगर हमारे पास घर में उतनी फैसिलिटी आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये दो तीन महीने और एहतियात करते हुए हम अपनी लापरवाही ना करें, जितने एहतियात बरतना है बरतेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हाथ में है, हम कितना भी एहतियात बरतने के बाद जो होना है वो तो होता ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमारे तरफ से तो हम एहतियात करना ज़रूरी है। एहतियात करते हुए अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको टैक्टफुली फेस करना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है, उसको लापरवाही नहीं करना है। और जो ट्रीटमेंट से बाहर आ चुके हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है प्लाज्मा डोनर्स के लिए, वो अपने आप को रजिस्टर करें और दूसरे लोगों को जिसको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जिसको प्लाज्मा की ज़रूरत है, हम उनको प्लाज्मा देने की कोशिश करें और हम अपने आप को वॉलंटियर करें। ये बिल्कुल सेफ है, हम इससे कमज़ोरी हुए कुछ नहीं हो सकता। इवन लेडीज़ भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जिसको नल्ली पैरस है यानी जिसको बच्चे नहीं हुए, वो और 50 केजेस से अबव जो है वो लोग दे सकते हैं। वो लेडीज़ का सिर्फ वो एक ही क्राइटेरिया है, वो लोग नल्ली पैरस होना चाहिए, यानी जिसको बच्चे नहीं हुए हैं, जिसकी शादी नहीं हुई है 50 केजेस के ऊपर, यानी जेंट्स, ज़्यादा नंबर ऑफ जेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स है। जैसे कि ब्लड ग्रुप्स रहते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, इसमें भी ग्रुप की कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होने के बाद ही देते हैं। जैसा कि ओ ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है, उन्होंने जिसका ओ है उन्हें दूसरे ब्लड ग्रुप्स को भी दे सकता, लेकिन इसमें रिवर्स रहता क्योंकि ये प्लाज्मा है, ओ ब्लड ग्रुप वाले रिसीव कर सकते, दे नहीं सकते, ए बी वाले दे सकते। तो इसी तरह जो भी है ब्लड ग्रुप वो तो डॉक्टर्स वहाँ डिसाइड करेंगे कि वो किस पेशेंट को प्लाज्मा जाएगा, लेकिन आप अपने आप को तैयार रखें। जो भी रिकवर हो चुके हैं, हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम भी किसी की जान बचाएंगे हमारा प्लाज्मा देके। ये आप सोचें, ये अपने आप को तैयार करें, हम अपनी कम्युनिटी को, हम अपने लोगों को सेव करेंगे। हम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि पैसा देना ही चैरिटी नहीं है। किसी को सही एडवाइस देना, सलाह देना, वो भी एक सदका में
शुमार होता है, किसकी क्या अदा अल्लाह ताला को पसंद आती है हम नहीं समझ सकते, लेकिन ये वक्त तो बड़े मुश्किल से गुजर रहा है, हर एक फैमिली में कोई ना कोई परेशान है। इसलिए हिम्मत से रहें और अपने आप को सावधानी से रहें, और वक्त आए तो उनकी मदद करने के लिए भी तैयार रहें। और ये जो चैनल वाले जो मुझे बात करने के लिए कहें, मैं उनका भी तहदिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं वो लोग भी कम से वो लोग सुने और ये बात किसी और को भी पहुँचाएँ। शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर।